गाड़ी डालती है तो ना उसकी लोकेशन ऑन है भाई। एलबीसी गाड़ी मेरे पास है तो मैं सोच रही हूँ मैं ना अपना प्रैक्टिस इसी गाड़ी पे कर लूँ। अब ये तेरी गाड़ी है, एलबीसी गाड़ी नहीं है, तेरी गाड़ी हो चुकी है ना, तू इंडिया आई है तो तेरी हो गई। हाँ मैं यही सोच रही हूँ दैट प्रैक्टिस है ना, इसमें हाथ बिल्कुल साफ करके चलूँ मैं इस गाड़ी पे। हाँ बड़ी है तो आराम से सीख लेगी इस पे, है ना। हाँ नहीं आती तो मेरे को है, बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है तू ही चला के ले चलियो घर तक। ना ना अभी तो नहीं। अरे ना अपनी मिठाई खा ले, मिठाई खाना तो पहले चला लियो। भाई इंडिया आऊँ मैं और मिठाई ना खाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं वजीराबाद, तो मैंने सोचा उससे पहले ना मैं मिठाई ले लूँ। बर्गर वगैरह है, बर्गर वगैरह मैकडी का खा लियो, इतनी सारी मिठाई ले ली देख लो भाई इसने। और ली कितनी कितनी है बताइए, टेस्ट के लिए थोड़ी थोड़ी। 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम पांच टाइप की मिठाई ले ली है, 250 ग्राम इसने। अच्छा अरे ना उनने ना उसकी जगह इमरती जगह बेसन बर्फी कर दी, और मैं तो ना ले वापिस करवाई है। और भाई नू बोला 250 ग्राम ली थी तो 250 ग्राम इमरती दे दो, वो महंगी इतना तो इतना अपना मैथमेटिक लगा लियो। मेरी इतनी मैथ चलती नहीं है। मगर भाई एक पीस फालतू दे, एक पीस फालतू डलवा के लाए हो अब इसका, कितने दिन चलाएगी? कल परसों तक फिनिश। कल परसों तक फिनिश, एलविश भी आ जाएगा, दोनों मिल कर दियो खत्म। ठीक है बारे में तेरे को नहीं मिलेगी बेटा, तू क्या देख रही है अशोका के पेड़ के पीछे छुप गए मोर बैठा है प्यार से। देखो भाई ये देखो प्लॉट में मोर बैठा है, जूम करके बता दिखाता हूँ। ओए सही में आराम फरा रहा है ये तो, कर रहा है वो गर्मियों में। अरे ये क्या क्या बो रखे हैं, टमाटर वगैरह है, टमाटर लगा रखे हैं, कुछ मेथी वेथी उगा रखी है। सही है भाई, आम का पेड़ भी है जिसमें मोर नीचे बैठा है, आम का पेड़ है वो। हाँ करने दे उसको आराम करने दे, गर्मी हो रही है। आप क्या करने आए थे? मैं थोड़ी सी शुद्ध हवा ले लें अशोका के पेड़ की। ठीक है थोड़ा चिलैक्स करें, चिलैक्स करें थोड़ा, इसलिए मैं आया था यहाँ। ज्यादा शुद्ध हवा मत लेना ना तो गला खराब हो जाएगा मेरी तरह। मेरा हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा यहाँ दर्द हो रहा है। पहले ना वारण्या बीमार हुई, ठीक है उससे मैं हुई बुखार खांसी जुकाम, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ ना जुकाम, अब मेरे को लगता है मैं ठीक होने वाली हूँ तो ये बीमार होने वाले ना, मेरा गला हल्का सा हो रहा है वो तो चलो कोई नहीं हो जाएगा। मम्मी को होगा, मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, हम ऐसे फैला रहे हैं। फोन आ गया, फोन आ गया, कौन आ गया, खेल 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 खेल। अरे मामा कुछ नहीं कह रहे, जल्दी जा, कुछ नहीं कह रहे, जल्दी जा, आ जा ए? जा जा, 5 मिनट का चैलेंज है, मामा जी के साथ रह गया, जल्दी जा। मैं तो गर्दन में कुछ हो गया, मेरे भी मेरी एक साइड मोड़ ना रही गर्दन। जा मामा की गर्दन मोड़ दे। गर्दन मोड़ दे, मेरी गर्दन मोड़ दे, गर्दन मोड़ दे, हाँ जल्दी गर्दन मोड़ दे भाई, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। पहुंच गई बाहर, जा उन्हें बुला के लिया, रुक्का मार उन्हें आता है। रुक्का बहुत तेज़ है गाइस, रुक्का मार के दिखाई देता है, वारण्या क्या कर रहे हो बेटा, वो तो खाने की है, चॉकलेट फेंकने की नहीं है, अभी पापा खा जाएंगे। बॉल बॉल खेल रहे हैं, कोई बात नहीं पापा खा जाएंगे अभी खोल के। तो भाई बैग तो मिला नहीं है, कुछ भी नहीं मिला कोमल, तो आज कोमल का पासपोर्ट भी अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर आए हैं आज। भाई कब तक वेट करेंगे हैं कि हमारा बैग आएगा, आएगा तो हमने सोचा प्रोसेस शुरू करते हैं पासपोर्ट वगैरह का, तो करें तभी कुछ बनेगा आगे। क्या खा रही है, इसके हाथ में क्या है? ये कुकीज खा रही है, डब्बा फेंक के मार रही थी, कुकी खा ली है। तो कोमल वो वीडियो डाल दे जो सीसीटीवी फुटेज में मिली हमें। भाई हमें एक अपडेट मिला दैट जो प्रशांत की जो बहन है वो उनके घर में कैमरा लगे हुए हैं आगे, और जो पड़ोसी वड़ोसी तो सबका चेक कर रही है वो बेचारी, सबसे कैमरे से ढूंढ के उनको कुछ क्लिप मिली है, तो पहले वो क्लिप लगाती हूँ मैं, उसके बाद बात करते हैं उस क्लिप के बारे में।
जो क्लिप हम लोगों ने लगाई उसको ध्यान से देखना, उसमें ना दो बंदे हैं जो इवन जो मेन रोड पे कार खड़ी हुई है ना उसमें ना वो सब में झांक झांक के देख रहे हैं, और एक बंदा ना कोट लेके है खड़ा हुआ है कि एक बंदा सब में झांक रहा है सारी गाड़ियों में कि वो चोरी करेगा और उस बैग को कवर कर लेगा और फिर वो चले जाएंगे। इसका मतलब एक बंदे की प्लानिंग नहीं होती है, दो या तीन बंदे होते हैं उस टीम में। तो ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है, चाहे हमारी तरफ से है कि हम पे बीत चुकी है इसलिए हम लोग बता सकते हैं, कहीं भी जाएं, दिल्ली नहीं कहीं भी, अपना बैग वगैरह जो भी गाड़ी में सामान है उसको निकाल लें जाने से पहले, और अगर बाय चांस गाड़ी में छोड़ रहे हो सामान तो भी छुपा के रखो यार, डिग्गी में रखे। मेरे से गलती यही होगी कि मैंने वो वहां रख दिया, मेरे को डिग्गी में रखना था। सबसे बड़ी बात ये देखो वो बंदे ना क्या नाम है, हमारी गाड़ी तो बिल्कुल घर के आगे जो क्या जिसे कहते हैं ना सर्विस लेन पे थी उसमें खड़ी थी, और वो बंदे ना उधर की साइड जो मेन रोड पार्किंग थी उसमें झांक के और फिर अपनी गाड़ी के पास भी आए, और टाइम पता क्या था वो रात नहीं हुई थी, 8 बजे थे सिर्फ, 8 यार रोड चल रहा है पूरा, आइसक्रीम वाला वहां खड़ा है, आइसक्रीम वाले इतने सारे खड़े सब देख रहे हैं, मतलब कोई ध्यान नहीं देता क्या, और उन्होंने चोरी कैसे करी, दैट उन्होंने झांका है। तो पुलिस वाले बताते हैं कि ना उनके पास एक केमिकल होता है, इतना सा टैबलेट टाइप एक केमिकल होता है, वो ना ऐसे फेंक देते हैं शीशे पर, वो टूट जाता है और हट लेने से ले गए, ऐसे ले गए। अब उनका तो बहुत इजी मेथड था, वो तो ले गए, हम लोगों को कितनी हेडेक बढ़ाई है इन लोगों ने। कोई बात ना, पुलिस को सीसीटीवी भेज दिया, होप सो मिल जाए, पर पासपोर्ट अप्लाई कर दिया उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्या आप तो सामान मिल जाए, भाई प्रे करें कि चोर पकड़े जाए, अगर पकड़े देते हैं तो फिर हम बताते हैं ना भाई, है ना भाई, ऐसे भी अपडेट्स मिलती हैं हम लोग आपको बताते हैं, पर इस सीसीटीवी में ना लाइक फेस क्लियर नहीं है, थोड़ा दूर का दिख रहा है तो, पर हाँ पुलिस वालों को हमने भेज दिया है, वो बाकी देखो क्या करते हैं, वो बेचारे भी लगे हुए हैं अपनी साइड से। पर कोमल एक चीज अच्छी खबर आई है ना भाई, बूम की वजह से ना लाइक इन्होंने तोड़ दे, सब तोड़ दे, ये लेके जाओ भाई, जो हमारी फ्रेंड है ना थाईलैंड में, हमने उनको उसको बताया कि भाई हम लोग ना अभी नहीं आ रहे, थोड़ा लेट हो जाएगा, तो उसने हमें बताया कि क्या क्या हुआ, उसने पूछा क्या क्या हुआ, मैंने कहा देख कोमल के एयरपोर्ट गए नए के नए लिए थे एप्पल के, मेरे सैमसंग बर्ड्स गए, लैपटॉप गया, तो उसने बताया कि वो ट्रैक हो सकते हैं। तो मैंने ना जाते जाते जब ये बैग लेके जा रहे थे, पता नहीं मैंने मेरी क्या बुद्धि क्या हुई, मैंने ना अपने एयरपोर्ट उठा के उसमें डाल दिए, मैंने कहा मैं यूज नहीं करती, वारे ने कभी इधर उधर फेंक देगी गुम कर देगी, मैंने डाल दिए तो ना उसकी लोकेशन ऑन है, जिसे उन्होंने खोला होगा ना कि ये सामान क्या है क्या नहीं, तो मेरे को लोकेशन तो पता चल गई कि मेरे एयरपोर्ट कहाँ खुले हुए हैं। बता दूं लोकेशन? नहीं अभी मत बताओ, पुलिस वालों को बता दी ना बहुत। हाँ वो ढूंढ रहे हैं भैया अभी। मैं तो सिंपल ये कहूंगी भैया, जहाँ भी ट्रेवल कर रहे हो अपनी गाड़ी से मत जाओ, अपने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो, ये टैक्सी मेट्रो सबसे सेफ है। मैं समझा तू ये कहेगी कि इनकी तरह लापरवाह मत बनो। जब हम कापासेड़ा से निकल रहे थे तो दीदी ने कहा था भाई गाड़ी वहां मत खड़ी करना, चोरी होती है गाड़ी। तो ये चोरी हुई थी ये, मगर चल गाड़ी तो चोरी होती है, दिन थोड़ी कौन उठाएगा गाड़ी उठाएगा तो रात में उठाएगा। और जब मैं जी घर पहुंच रहा था वहां पे रानी बाग, नहीं एक सिक्स सेंस लगा लिया कुछ भी, मेरे को यह कहा लगा कि यार अगर मान ले लैपटॉप चोरी हो गया, गाड़ी चोरी हुई और गाड़ी के साथ लैपटॉप भी चोरी हो गया, तो जो मैंने 8 महीने काम किया है कोडिंग वगैरह वो सब चली जाएगी, कसम से मेरे मन में आए। फिर मैं कह रहा यार दिन थोड़ी कौन गाड़ी चोरी करे, हमने तो जाना है, कौन करता है रात को उठाता, इतना तो हम जी के चले जाएंगे दूसरी के, हमने के बेरो उन्हें जपत कर दी। अरे तुम लोग शुक्र मनाओ तुम्हारी गाड़ी नहीं उठी। हाँ ये बात है, 1 घंटा खड़ी रही, शीशा टूटे कर रही है वो। बस 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 ना मेरे को दे दे, मैं खा लूंगा, दे दो पापा को, दे दो फ्लाइंग की शिकार हो पापा को फटाफट। और भाई एक चीज और नोटिस करी होगी आपने, जिसमें मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा है, हमने ना कल मम्मी कहीं गई हुई थी या पता नहीं कहाँ थी, हमने ना इसके बाल कटवा दिए। पर कोई भी अपडेट आती है बैग वगैरह की, बहुत लोगों मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू आप लोगों को कंसर्न है, जैसे भी अपडेट आती है हम आपको बताते हैं।